खरगोन के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पर आज से स्वर्गीय मनमोहन सिंह चावला की स्मृति में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला रिपब्लिक महिला हॉकी स्पर्धा शुरू हुई, जिसमें खरगोन, बड़वानी, उज्जैन, मंदसौर, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, इंदौर, यूपी के फैजाबाद, इलाहाबाद सहित मध्य प्रदेश की कुल 12 महिला हॉकी की टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पर्धा के शुभारंभ अवसर पर महिला हॉकी खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच रहे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी सहित खरगोन विधायक रवि जोशी, सुखदेव सिंह गुम्मन विशेष तौर पर मौजूद थे। अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों के परिचय प्राप्त कर राज्य स्तरीय महिला हॉकी स्पर्धा का पहला मैच बड़वानी और मंदसौर के बीच खेला गया, जहां मंदसौर की टीम ने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़वानी की टीम को 2-0 से हराया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। खरगोन का जिस तरीके से विकास हुआ है ये पिछले कुछ गत वर्षों में, मुझे लगता है कि खरगोन ही नहीं, इसके आसपास की जितना भी एरिया है वहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए खरगोन एक ऐसा स्थल है जहाँ पर हॉकी को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एकेडमी बने और वहाँ पर यहाँ के जो आसपास के आदिवासी इलाके हैं वहाँ से हम लोग बच्चों को ढूंढ ढूंढ के लेके आएँ और उन्हें हॉकी सिखाएँ, तो ये बहुत अच्छा होगा। और इसी प्रतिक्रिया में मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर एक एस्ट्रो टर्फ लगे तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि आजकल जितनी भी हॉकी है वो एस्ट्रो टर्फ पर होती है। और यहाँ के लोग जो हैं इतने प्रेमी हैं, इतने अच्छे हैं और सारे के सारे लोग जुड़कर काम कर रहे हैं, पूरा देश का विकास होता है, तो जब खेलों का विकास होना भी उसी तरीके से जरूरी है। थैंक यू सो मच। महिला हॉकी स्पर्धा हो रही, राज्य स्तरीय महिला हॉकी का शुभारंभ किया, किस प्रकार की यहाँ पर अब आने वाले वर्षों में सौगात देखने को मिलेगी? हम पहले तो इस महिला हॉकी टूर्नामेंट में आज हमारे बीच दो शख्सियत जो पधारी है, ओलंपिक खिलाड़ी आदरणीय मीर रंजन नेगी जी और साथ में टीजियाना के MD और समाज सेवी आदरणीय सुखदेव सिंह जी हमारे बीच पधारे हैं इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में। मैं दोनों का ऋणी हूँ, दोनों के आभारी हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय खरगोन के इस कार्यक्रम में दिया है। और आज बात चर्चा चली कि महिला हॉकी के लिए खरगोन के इस उत्कृष्ट स्कूल के ग्राउंड पे टर्फ मैदान बनाए गए, तो मैं आप लोगों के माध्यम से खरगोन के खेल प्रेमियों को आश्वस्त करता हूँ कि लोग बोलते हैं साहब अगले साल बन जाएगा, मैं अगले साल नहीं, मैं 3 साल का समय मांग रहा हूँ, 3 साल के अंदर इस मैदान पर हम टर्फ मैदान बना देंगे, ताकि जो खिलाड़ी बहुत प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ से निकलते हैं, चाहे लड़का हो लड़कियाँ हैं, उन सबको जो देश में और देश के बाहर टर्फ मैदानों पर खेलने का अवसर मिलता है, तो हमारा खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रतिभावान है लेकिन वो मट्टी के मैदान पर खेल के उस मैदान पर खेल नहीं पाता, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि 3 साल के अंदर हम इस मैदान को टर्फ में बदल दें। खिलाड़ियों को अभी प्रोत्साहित कर रहे हैं, कितनी खुशी मिल रही है और आगे क्या सोच रहेगी यहाँ खरगोन के लिए? नहीं, बहुत खुशी मिलती है जब छोटे छोटे बच्चों को, 60-70 बच्चे जो हैं आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और आकर यहाँ पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह चावला जी की स्मृति में ये टूर्नामेंट हो रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि इन बच्चों का एक ट्रेनिंग कैंप हुआ, कोचिंग कैंप हुआ, जिसको हेड किया मीर रंजन नेगी साहब, ओलंपियन हैं हमारे, इंडियन टीम के गोलकीपर थे और इंडियन फीमेल वमेन हॉकी के कोच भी रहे हैं, तो उस तरह का कोच अगर हमारी बच्चियों को मिलेगा, निमाड़ के बच्चों को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम में बहुत सारे बच्चे देखेंगे जो हमारे रीजन को रिप्रेजेंट करते होंगे। और खरगोन में आकर एक अच्छी खेल लगी और मैंने लोगों से चर्चा भी करी, बोला भी, मैंने देखा है कि यहाँ पे निमाड़ में जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है कंपैरेटिवली जो बाकी मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो सिटीज़ हैं वहाँ से जो बच्चे आते हैं, तो अगर आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे तो हॉकी जैसी गेम में आपको बहुत पावर चाहिए, स्पीड चाहिए, टेक्निक चाहिए, टेक्निक आपको कोचेज दे देंगे, पर अगर आपके पास में जीन्स वैसे हैं, आपकी बिल्डअप वैसा है, आप स्ट्रांग हैं, दौड़ सकते हैं, गेम को कंट्रोल कर सकते हैं, खेल सकते हैं, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। मैं उम्मीद करता हूं कि श्री मीर रंजन नेगी साहब के कोचिंग के अंदर खरगोन की जो महिला हॉकी टीम की कोचिंग हो रही है, और जैसे कि उन्होंने एश्योर भी किया है कि वो बार बार यहां पर आएंगे और इन बच्चों को लुक आफ्टर करेंगे, तो मुझे लगता है इससे बड़ी सौगात तो हिंदुस्तान जिंदगी में इसी तरह निभाना अपना किरदार नेगी जी, पर्दा गिरने के बाद से तारे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।